प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का बुधवार शाम को विस्तार और फेरबदल पूरा हुआ। 28 राज्य मंत्री और 15 कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। समारोह से पहले संभावना जताई जा रही थी कि नए मंत्रिमंडल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी जगह मिल सकती है, हालांकि कैबिनेट फेरबदल में उन्हें जगह नहीं मिली। इसे लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आपने जो कुर्ता पैजामा सिलवाया है उसे संभाल कर रखिए, तेजस्वी का शपथ ग्रहण होने वाला है जिसमें उनके लिए कुर्सी रिजर्व रखी जाएगी। औरंगाबाद में पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने की वजह से उस पर सवार एक युवक की जहां मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना NH2 पर बारून थाना क्षेत्र के केशव मोड़ के पास की है। घायल युवक को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। कोलकाता से गाड़ी से आ रहे थे, वैसी से करके वहाँ पर खटाल है, हम लोग सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन यहाँ पर आने पता चला कि स्पॉट पर खो गया है और उनके साथ दिनेश यादव है, बक्सर जिले का है, जिला कर कहा था वो भी अभी मतलब बेहोश है, तो स्पॉट पर चिंता हो जाए। औरंगाबाद सिविल कोर्ट परिसर में 10 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि औरंगाबाद अनुमंडल के लिए 5 बेंच जबकि दाऊदनगर के लिए 1 बेंच का गठन किया गया है। हर एक बेंच पर एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ एक वकील मौजूद रहेंगे जो मामलों को देखेंगे। 5 बेंच का गठन किया है जिनको हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हेड करेंगे और एक एडवोकेट उस बेंच में मेंबर होंगे। 1 बेंच हमने दाऊदनगर के लिए भी गठन किया है जो वहां के मामलों को देखेंगे। किस किस तरह के मामले सर इसमें आने? जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है, इसमें सबसे पहले सबसे प्रमुख क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, आपराधिक मामले जो पूर्णतया सुलहनीय है, हम लोग उन मामलों को देखेंगे। यथा चेक बाउंस के मामले, कुछ सिविल मुकदमे, कुछ विवाह संबंधी मामले, मैट्रिमोनियल केसेस जिसको आप कहते हैं, फैमिली कोर्ट के मामले, इसके अलावा फॉरेस्ट विभाग के मामले, वन विभाग के मामले, उसके अलावा वेट एंड मेजरमेंट, माप तौल विभाग। एक बड़ी खबर नवादा जिले से सामने आई, जहां बाइक और गैस टैंक लॉरी की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार बाप बेटे की मौत घटना स्थल पर हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मां बुरी तरह से जख्मी बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद टैंक लॉरी का ड्राइवर मौके से भाग निकला। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अयोध्या धाम मंदिर के पास हुई। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पापा मम्मी भैया जा रहे थे बुधौल से मतनाजे, अच्छा। नहर बरस की डेंट हो गया। क्या नाम था? पापा का नाम था दिनेश चौहान, भाई का नाम था जयराम चौहान, मम्मी का नाम था कैली देवी। इनका पिताजी का क्या नाम है? दिनेश चौहान, जीतन चौहान। जीतन चौहान। तुम्हारा क्या नाम है? श्री राम कुमार। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककुलत शीतल जल प्रपात में गुरुवार की दोपहर अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिससे हजारों की संख्या में सैलानी घंटों फंसे रहे। सभी सैलानियों को ककुलत केयर टेकर जमुना पासवान एवं उनके सहयोगियों के द्वारा सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोचने वाली बात तो ये है कि SDO चंद्रशेखर आजाद के निर्देशानुसार BDO कुंज बिहारी सिंह के द्वारा ककुलत जलप्रपात में धारा 144 लागू कर सैलानियों को ककुलत आने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी प्रतिदिन काफी संख्या में सैलानी ककुलत पहुंच रहे हैं और स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि आज भीषण बाढ़ में ककुलत जलप्रपात में हजारों लोग फंस गए और एक बड़ा हादसा हो सकता था, परंतु इसे ककुलत केयर टेकर तथा उसके सहयोगियों द्वारा बचा लिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पूर्व भी कई बार ऐसा हो चुका है।
पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के बायसी अमौर बैसा और रोटा इलाके में नदी से बड़ी तबाही हुई है। इन इलाकों में बहने वाली नदी कनकई पमान और महानंदा नदी से हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों परिवार विस्थापित हो रहे हैं। यह तस्वीर बायसी अनुमंडल के मरवा गांव की है, जहां महानंदा नदी के कटाव के कारण महादलित बस्ती के अवशेष मिटने वाले हैं।